हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूँ आपका ऑनलाइन ट्यूटर। फोटोशॉप के बिगिनर्स क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें लेसन नंबर ये 6 है। इससे पहले मैंने 5 लेसन्स बना दिए हैं, ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और उसमें मैंने फोटोशॉप के टूल बार्स बताए थे, जिसमें मैंने मूव टूल से लेकर हिस्ट्री ब्रश तक मैंने सभी टूल बार ये आपको बता दिए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टूल्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। यदि आपको आते हैं तो अच्छी बात है, यदि आपको नहीं आता ये टूल बार का यूज और आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी वीडियोस के लिंक को डाल दूंगा और आप उस पर क्लिक करके फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम जो सीखेंगे वो हम एक तो ये सीखेंगे, इसमें आता है पेंट बकेट टूल और गार्डियन टूल, और उसके बाद जो इरेजर है उसके जितने भी कंटेंट हैं, जैसे मैजिक इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर और इरेजर टूल, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इन टूल्स का हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल पे न्यू पे क्लिक करके एक नया पेज ले लेता हूँ, फुल स्क्रीन कर लेते हैं, उसके बाद पेंट बकेट टूल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फोरग्राउंड कलर, और यहाँ पे एक आता है बैकग्राउंड कलर और एक आता है फोरग्राउंड कलर, यानी कि जो ऊपर वाला जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है इसी कलर को सपोर्ट करता है फिल बकेट टूल। और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यही ब्लैक कलर यहाँ पे फिल हो गया। अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको कलर दूसरा सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद ओके करना होगा, और आप जब क्लिक करेंगे तो वही कलर इस पेज पर फिल हो जाएगा। और आप इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं जो आप यहाँ से इसे ड्रैग करके कलर आप चेंज कर सकते हैं, और फिर कलर को आप लाइट, डार्क या मीडियम सेट करके इसे ओके कर सकते हैं और आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी आपको कलर चाहिए वो आप कलर सेलेक्ट करके फिलअप कर सकते हो। तो ये था फोरग्राउंड कलर पेंट बकेट टूल के साथ। लेकिन जब यहाँ पे ऑप्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे एक आता है ओपासिटी और यहाँ पे टॉलरेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन बिगिनर्स क्लास है तो मैं इसमें आपको जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, जो मेन मेन चीज़ें हैं कि इसका मतलब होता है किसी भी कलर को थोड़ा सा लाइट कर देना। जैसे मान लीजिए मैंने इसे यहाँ से लाइट कर दिया, थोड़ा ओपासिटी कम करा, और अब जब मैं क्लिक करूँगा, सॉरी मैं वाइट कर देता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए लाइट आ रहा है, और जब मैं ओपेसिटी को बढ़ा दूंगा फिर इस पर क्लिक करेंगे तो डार्क आएगा, लेकिन मैं पहले ही डार्क ले लिया था तो इसलिए ओपेसिटी सही से काम नहीं कर रहा था। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे कलर ये ले लिया, अब मैं अगर यहां पे 100% पे क्लिक करता हूं तो देखिए कितना डार्क आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका ओपेसिटी कम कर देता हूं फिर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए लाइट आ रहा है, और फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं फिर क्लिक करता हूं तो थोड़ा और डार्क आ रहा है, और जितना मैं 100% कर दूंगा उतना ही और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से ओपेसिटी काम करता है। टॉलरेंस की बात करते हैं, टॉलरेंस 32 पे ऐसा प्रिंट हो रहा है, अगर मैं टॉलरेंस कर देता हूँ कम 10 तो ये ऐसा प्रिंट हो रहा है, अगर मैं टॉलरेंस कर देता हूँ 100 तो ये ऐसा प्रिंट कर रहा है। तो टॉलरेंस में कम इफेक्ट आया है, लेकिन इसके इफेक्ट्स के बारे में मैं आपको जब इसके मैं एडवांस क्लासेस बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा टॉलरेंस और ओपासिटी का कैसे यूज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, अभी तो बेसिक समझ लीजिए। और टॉलरेंस भी हल्का कलर करने के लिए काम करता है, लेकिन ये लेयर के अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं जब पेंट बकेट टूल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड के नीचे पैटर्न का भी ऑप्शन आता है, क्योंकि यहाँ पैटर्न अभी लॉक है, इसे अनलॉक करने के लिए आप इस पर जब पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और ये कलर फोरग्राउंड कलर ना लेकर पैटर्न वाला, ये वाले जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे हैं इस पैटर्न को यहाँ पे फिल करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पहला पैटर्न लिया, क्लिक करा, ये देखिए पैटर्न फिल हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ये वाला पैटर्न लिया, इस पर क्लिक करा, ये वाला पैटर्न फिल हो गया। अगर मान लीजिए मैंने इसके बाद मैंने ये वाला पैटर्न लिया और क्लिक करा तो ये पैटर्न फिल हो गया। ऐसे ही मैंने इस पैटर्न को लिया, इस पैटर्न को क्लिक करा तो ये पैटर्न फिल हो गया। और आप किसी भी पैटर्न को लेकर अगर क्लिक करते हो तो वो पैटर्न फिल हो जाता है। पैटर्न के भी आप कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि पैटर्न के एक एक सिंगल कलर तो यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, लेकिन आप अगर पैटर्न को ही थोड़ा अलग कलर देना चाहते हैं तो इमेज पे जाइए, एडजस्टमेंट पे जाइए, एक कलर बैलेंस आता है, इस पर आप क्लिक करके पैटर्न को भी आप थोड़ा सा चेंजेज में ढाल सकते हैं। जैसा आप कलर पे क्लिक करेंगे वही कलर यहाँ पे इस तरीके से फिल हो जाएगा, ये देखिए
मैं पैटर्न चेंज करके भी दिखा रहा हूँ पैटर्न का कलर। अच्छा, इसकी जगह एक एडजस्टमेंट में ह्यू और ये सेचुरेशन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखिए कलर आप इसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ह्यू के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं, इसे मैं बैक कर लेता हूँ और फिल बकेट टूल पे मैं दोबारा बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ले लेता हूँ। इसके बाद आता है गार्डियन टूल। गार्डियन टूल पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर है, तो यहाँ पे ब्लू और व्हाइट दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस जगह रेड कलर ले लेता हूँ सपोज डैट, और जब मैं इसे ओके करूंगा तो यहाँ पे रेड आ जाएगा और यहाँ पे रेड और व्हाइट में दिखाई देगा कलर, ये देखिए। और जब मैं ऐसे ऐसे लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे देखिए कलर इफेक्ट आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले पे यहाँ पे इसके स्टेप दिए हुए हैं, कई सारे स्टेप हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ऐसे तो देखिए यहाँ पे डार्क दिखाई देगा और यहाँ नीचे साइड में, अप साइड में डार्क और नीचे जो डाउन साइड है, नीचे की साइड है, वो उतना ही लाइट होता चला जाएगा, ये देखिए। अगर मान लीजिए मैं जहाँ से जहाँ तक खींचूंगा उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग होता रहेगा, तो ये डार्क लाइट के हिसाब से इस हिसाब से चलता है, ये देखिए मैं खींच रहा हूँ लाइनिंग तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसमें बीच में व्हाइट है और किनारे में ब्लैक है, इसमें किनारे में ब्लैक था और फिर बाद में व्हाइट है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें टू कलर, लेकिन इसमें रेडियस के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब अगर मैं ऐसे बीच में खींचता हूँ तो बीच में रेड आएगा, किनारे किनारे व्हाइट हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे स्टेप हैं जिसे आप क्लिक करके आप यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। अब ये जैसे थर्ड वाला है, इस पर आप क्लिक करते हो तो देखिए इस टाइप से आ रहा है, इसमें डार्क और लाइट एकदम अलग अलग हो चुके हैं, देखिए यहाँ से बराबर कोई भी यहाँ पे डार्क लाइट हल्के नहीं हुए। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप है, लेकिन अगर मैं इस पेज के कोने से लेकर इस पेज के कोने तक रख देता हूं तो देखिए आधा व्हाइट और आधा रेड कलर में हो गया है और बीच में कहीं भी कलर अलग अलग, मतलब एक साथ मिक्स नहीं हुए, दोनों कलर अलग अलग हैं। लेकिन सेम थिंग मैंने पहले वाले पे अगर मैं क्लिक करता हूं इस जगह से इस जगह तक, तो देखिए यहाँ पे डार्क और फिर धीरे धीरे लाइट होते हुए यहाँ पे व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके इफेक्ट्स के स्टाइल हैं कि आप किस तरीके से रखना चाहते हो, बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसे आप स्टाइल्स रखना चाहते हो वैसे आप स्टाइल्स रख सकते हो। तो ये डिपेंड ये आप पे करता है कि आपको किस टाइप के कलर का इफेक्ट चाहिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जब मैं इस वाले पे क्लिक करा था तो बीच में रेड था और किनारे किनारे व्हाइट था। अब हम देखते हैं इस वाले से क्या होता है, इसमें आई थिंक बीच में व्हाइट और किनारे किनारे रेड हो जाएगा, ये देखिए, सॉरी ये भी पहले जैसा ही चला है, ये डायमंड के शेप में है, ये देखिए ये डायमंड के शेप में है। अब लेकिन ये तो सिंगल ही टाइम चल रहा है, मुझे अगर इसे कई सारे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसकी मुझे यहां से मैं सिलेक्शन करके कॉपी कर सकता हूं और उसके बाद मैं पेस्ट कर सकता हूं हर जगह इस तरीके से, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सॉरी, इस तरीके से आप अलग अलग डायमंड बना सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गए, ये तो हो गया गार्डियन टूल का पहला ये वाला हिस्सा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे कलर मिक्स हैं जो सैंपल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सैंपल दिखाई देगा, बीच में क्लिक करेंगे तो यहाँ सैंपल्स निकल के आ जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये जो सैंपल्स आ रहे हैं वही कलर को फॉलो करेगा इस फोरग्राउंड कलर के अलावा। जब आप एक एक पे क्लिक करते रहेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे कलर आपको दिखाई देगा इस हिसाब से, ये देखिए मैं कलर एक एक चला चला के आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो ये इसके कलर के स्टाइल हैं और इस तरीके से आप इसे ट्राई कर सकते हैं, चलाकर देख सकते हैं। अब ये दोनों तो हो गए नॉर्मल पेज पे, लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी भी पिक को ले लेता हूं तो मैं स्क्रीन पे भी डबल क्लिक कर सकता हूं। यहां पे मैंने यही पहला वाला पिक ले लेते हैं, तो ये देखिए इस पिक पे एक कलर है दोनों साइड में और यहां पे फोटो है सेलिब्रिटी की, शाहिद कपूर की। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पेंट बकेट टूल लिया और जो कलर रेड वाला है मैं चाहता हूँ ये रेड कलर जो है वो यहाँ फिल कर दिया, तो ये सिंगल कलर है इसलिए आसानी से क्लिक करके इस तरीके से फिल हो जाएगा। और ये थोड़ा सा भी इफेक्टिव नहीं हो रहा, मैं दूसरा कलर लेके देखता हूँ क्योंकि सेलिब्रिटी के ऊपर भी हो रहा है, सॉरी।
सही नहीं चल रहा है इस जगह। अब मैं कर क्या सकता हूँ, अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैजिक इरेजर से, मैं मैजिक इरेजर से ऐसे इरेज कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्शन करके कलर फिलअप कर सकता हूँ। ये देखिए अब ये फोटो बच गई है इस तरीके से। और मान लीजिए मुझे दो कलर चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, कुछ जो भी आप कलर लेना चाहें अब आप कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। अभी लेकिन जब मैं मैजिक कलर का यूज नहीं किया था तो मैं अगर यहाँ पे जब कलर क्लिक कर रहा था तो देखिए फोटो के ऊपर भी कलर आ गया था, लेकिन मैंने क्या करा इसके बैकग्राउंड को इतना जो सिमिलर कलर है उसे मैंने मैजिक इरेजर से इरेज कर दिया। और उसके बाद अगर मैं सॉरी यहाँ पे रह गया, हाँ उसके बाद अगर मैं कलर करता हूँ सिलेक्शन करके जो भी कलर मैं फिक्स करूँगा कलर यहाँ पे ये देखिए तो वो सिंगल कलर आपका आसानी से फिल हो गया। इसकी जगह अगर मान लीजिए आप गार्डियन टूल लेना चाहते हैं तो गार्डियन टूल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब आप सोच रहे हैं कि फोटो तो इरेज हो गई, तो इसका भी एक उपाय है, इस पे क्लिक करिए मैजिक वांड पे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फिर शिफ्ट का बटन को प्रेस करके रखिए और यहाँ भी क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अब इस पे अगर आप कलर करते हैं गार्डियन टूल से तो आसानी से फिलअप हो जाएगा। और हम गार्डियन टूल थोड़ा और भी स्टाइलिश सा ले लेते हैं। ये देखिए आसानी से कोई भी कलर आप अब फिलअप कर सकते हैं, देख लिए। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार गौर से, अगर मैं किसी भी पिक को लेता हूँ और मैं अगर पेंट बकेट टूल से इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पे तो कलर होगा ही, लेकिन अगर साथ में कोई फोटो भी इफेक्ट उस पर इफेक्ट आता है उसी कलर का और हम चाहते हैं कि फोटो बच जाए लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड पे ही इफेक्ट आना चाहिए, तो आप मैजिक इरेजर का यूज कर सकते हो। इस पे जब क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड का जो सिमिलर कलर है वो यहाँ से इरेज हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद आप पेंट बकेट टूल पे क्लिक करके यहाँ पे जब बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आसानी से उसमें कलर फिलअप हो जाएगा और जो आपका पिक है वो बच जाएगा। और मान लीजिए लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो सिमिलर होना चाहिए। अच्छा इसके बाद अगर मान लीजिए मैं बैकग्राउंड को इरेज नहीं करता हूँ, सिमिलर बैकग्राउंड होता है और मैं अगर गार्डियन टूल का यूज करता हूँ तो पिक गायब हो जाएगी, क्योंकि ये जो फोरग्राउंड कलर है या तो इस पे कह लीजिए गार्डियन कलर है ये इस पिक के ऊपर एकदम चढ़ जाएगा इसका कलर। लेकिन मैं पिक को बचाना चाहता हूँ तो यही कलर इसी के ऊपर चलाना चाहता हूँ, तो ये जो मैजिक वांड टूल है इसका यूज कर सकते हैं। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो एरिया सेलेक्ट कर लेगा कलर के अकॉर्डिंग, और फिर दूसरी जगह का अगर आप क्लिक करते हो तो इधर का एरिया हट रहा है, लेकिन आपको दोनों एरिया अगर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखिए, इसके साथ दूसरी जगह आप क्लिक करके दोनों को प्लस कर सकते हैं एरिया एक साथ, और उसके बाद आप गार्डियन टूल का यूज कर सकते हैं, तो उसमें फोटो आपकी बच जाएगी, जैसे था वैसे ही फोटो रहेगी और दूसरे जो कलर इफेक्ट हैं वो आप गार्डियन टूल के यहाँ से सिलेक्शन करके डाल सकते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं क्या कहते हैं गार्डियन टूल और पेंट बकेट टूल का इस तरीके से। अच्छा जी अब एक आता है मैजिक इरेजर। क्या है मैजिक इरेजर, क्या होता है कि जब बैकग्राउंड का कलर सिमिलर होता है तो आप एक साथ बैकग्राउंड का जो कलर है वो इरेज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड के कलर के साथ बैकग्राउंड का जो डिफॉल्ट कलर होता है वाइट कलर वो भी इरेज हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है, मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको पहले जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया था। जैसे मान लीजिए मैंने नया पेज पे जब मैंने न्यू पेज पे क्लिक किया न्यू पेज के ऑप्शन पे तो यहाँ पे आ रहा है वाइट पेज, यानी कि ये जो बैकग्राउंड कलर है या बैकग्राउंड कलर वाला या तो ट्रांसपेरेंट। अब वाइट पेज या बैकग्राउंड कलर सिमिलर ही है इसमें, तो मैं अगर वाइट कलर लेता हूँ तो देखिए वाइट ही आ रहा है। इसे अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ ढंग से। ये देखिए मैंने इसका कलर कर दिया रेड बैकग्राउंड का। अब मैं न्यू पेज पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने 1024 वाला ले लिया पेज। अब मैं अगर इसे ओके करता हूँ और यहाँ पे रेड कलर है लेकिन यहाँ वाइट लिखा है, यानी कि वाइट पेज आएगा ये देखिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने न्यू पेज लिया और उसके बाद मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया तो जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट है वही वाला कलर यहाँ पे फिलअप होगा इस तरीके से। पेज थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पे बार बार साइज मुझे सेलेक्ट करना पड़ रहा है, ये 1024 वाला ये देखिए।
और अगर मान लीजिए मुझे ट्रांसपेरेंट पे चाहिए जिसमें एक भी कलर ना हो, ना वाइट हो, ना रेड हो, ना कुछ हो, ना ब्लू हो, तो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हो तो ये ट्रांसपेरेंट पेज होता है जो मैं अब लूँगा, और इसमें क्या होता है कोई भी कलर नहीं आएगा, ये ट्रांसपेरेंट पेज। अच्छा, ट्रांसपेरेंट पेज का अधिकतर फोटो स्टूडियो वाले यूज करते हैं, जब हम फोटो की कटिंग करके रखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट पेज का यूज करते हैं। इस पे कोई भी फोटो के स्लाइसेस रख सकते हैं या लेयर्स रख सकते हैं बनाकर, तो ये खुद एक लेयर होता है एक तरह का। अब मान लीजिए इस पे आप कोई कलर फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी फिलअप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी फिलअप करके दिखा रहा था। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद अब मैं फोटो पे आता हूँ। फोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए ये कोई और देख लेते हैं, ये वाला लेते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं पहला वाला इरेजर टूल लेता हूँ, तो इरेजर टूल से क्या होता है कि जब मैं इरेज करूँगा तो ये जो भी बैकग्राउंड कलर है वो कलर यहाँ पे लेगा, ये देखिए रेड कलर। लेकिन आप सोच रहे हैं रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड रेड है। अगर मैं वाइट कर देता हूँ जो बाई डिफॉल्ट होता है, तो बैकग्राउंड का कलर वाइट में आएगा, और जितना मैं चाहूँ उतना मैं इरेज कर सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। ये फोर डेमो परपज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये क्या कर रहा है, ये बैकग्राउंड का कलर लेके इरेज कर रहा है इस तरीके से। अच्छा, अगर मान लीजिए ये देखिए, तो मैंने इस तरीके से बैकग्राउंड को इरेज किया। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे वाइट कलर या बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज करूंगा जिसमें लेयर आ जाएगा, ये देखिए लेयर आ जाएगा, या आप ट्रांसपेरेंट पेज भी कह सकते हो। इस तरीके से ये आ जाएगा, ये देखिए इस पे कोई भी कलर नहीं आ रहा, कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। क्लियर? और इसके बाद एक आता है मैजिक इरेजर टूल, इसका हम कैसे यूज करते हैं, अगर कलर जहां तक सिमिलर होता है वहां तक का इरेज कर देता है, ये देखिए जहां तक कलर सिमिलर होगा वहां तक का इरेज कर देगा, ये देखिए। लेकिन ये यहाँ पे इसलिए सही ढंग से इरेज नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर हैं सभी के सभी, तो यहाँ पे क्या है इसलिए अलग अलग कलर आ रहे हैं। और 2 मिनट, सॉरी फॉर डेट। अब क्या है कि यहाँ पे इरेजर इरेजर के अकॉर्डिंग आप जब क्लिक करते हैं मैजिक इरेजर के अकॉर्डिंग, तो फिलअप जो कलर है वो अगर डिफरेंस है जो इसमें बैकग्राउंड का जो कलर जो पहले से फिल है वो डिफरेंस है, तो ये इस तरीके से इरेज करेगा। लेकिन 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 अगर मान लीजिए बैकग्राउंड का जो कलर है वो एकदम सेम है, तो जब आप क्लिक करेंगे तो एक साथ वो इरेज कर देगा क्योंकि बैकग्राउंड का कलर सिमिलर था। तो ये अंतर आता है मैजिक इरेजर टूल में। मैजिक इरेजर टूल कलर के अकॉर्डिंग चलता है, अगर कलर का बैकग्राउंड सेम हो तो एक साथ इरेज कर देगा, नहीं तो आपको इससे भी क्लिक करना पड़ेगा। इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल आपको मैंने दिखाई दिया कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये थे आज ये 2 टूल के यूज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो और समझ में आया होगा। अगर समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर ओल्ड वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मैंने डाल दिया है उस पर आप क्लिक करके प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।